हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं कक्षा आठवीं के गणित, वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। और आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को। तो ध्यान से देखिए, एकदम मजा आने वाला है। अगर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको देख लीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। निम्न संरेखित समीकरणों को हल करना है। चलिए, क्या है 4 नंबर क्वेश्चन में? एक्स माइनस 5/3 बराबर एक्स माइनस 3/5। क्या है? सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन यह उठता है कि क्या एक्स में से 5 घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि एक्स वाला है ये बिना एक्स वाला है। अभी तक तो इसका नॉलेज हो गया होगा, इतना देखिए 2.1 से लगातार यही कर रहे हैं। एक्स में से 3 घटेगा? नहीं घटेगा। तो करे तो करे क्या, क्या करे? एक उपाय है कैचिया गुना जिसको कहते हैं वो, और नहीं तो इस तरफ देखा जाए 3 जो है x में भाग कर रहा है, 3 x में भाग कर रहा है, तो उस तरफ अगर बराबर के बाद इसको भेजेंगे तो गुना करेगा। क्या करेगा? गुना करेगा। इस तरफ भी देखिए तो 5 भाग कर रहा है, इस तरफ आएगा तो गुना करेगा, जिसको कैचिया गुना भी कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस 3 से इसमें और इस 5 से इसमें गुना करना है, नहीं तो डायरेक्ट ये नियम लगाइए ना भाई, ये नियम लगाइए 5 देखिए गुना में है, भाग में जा रहा है, इस तरह पाके गुना में, तो 5 गुना में x माइनस 5 गुना में आ जाएगा 5 बराबर के बाद x माइनस 3 का x माइनस 3 और एक 3 इस तरह बराबर से पहले किसमें था? भाग में। हम इस 3 को उधर ले आएंगे पकड़ के गुना में। कोई दिक्कत नहीं ना, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। ऐसे कैचिया गुना, ऐसे 5 से इसमें गुना कर दीजिए, गुना हुआ 3 से इसमें गुना कर दीजिए। चलिए आइए गुना करते हैं हम लोग। 5 से x में करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस का माइनस, 5 से 5 में करेंगे तो हो जाएगा 25 बराबर, 3 से x में करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस, 3 से 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9। 5x में से 25 घटेगा? नहीं घटेगा। ये कह रहा हम इसमें से नहीं घटाएंगे, क्योंकि हम x वाला हैं, हम x वाला के साथ ही जोड़ घटाव करेंगे। तो मेहरबानी क्या होगी, क्या कि ये x वाला को इस x वाला से मिलवा दीजिए ना, मिलवा दीजिए, और ये बिना x वाला को बिना x वाला से, यही ना होगा नियम, यही ना है। अब देखिए करते हैं हम लोग का, अब देखिए क्या कह रहा है। ये 5x का 5x और ये 3x इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में, इधर आके माइनस में 3x बराबर के बाद 9 वो भी माइनस में है, बिना एक्स वाला माइनस में है, तो माइनस के हम माइनस ही लिखेंगे क्योंकि बराबर के बाद है और हम बराबर के बाद लिख रहे हैं। अब बराबर से पहले 25 जो है माइनस में, बिना एक्स वाला है ना, उसको ले आना इधर, बिना एक्स वाला साथ मिल पाने ना, मिलने के लिए लोग ना तड़प रहे हैं। आइए माइनस 25 उस तरफ जाके प्लस 25, कोई दिक्कत आया? इतना समझ में इतना क्लियर हुआ? आइए अब देखिए, अब तो आराम से एकदम 5x में से 3x एकदम आराम से घट जाएगा। तो 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2x, अब बराबर ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? घटता है, चिन्ह बड़े अंक का उतरता है। तो 25 में से अगर 9 घटा दीजिएगा तो शायद हमने लग रहा है कि 16 होता है, 16 9 25 दोनों में से बड़ा कौन है? प्लस, प्लस का साइन हो गया। अब देखा जाए थोड़ा ध्यान से कि 2 जो है इसने गुना कर रहा है इसके साथ, उधर भेज दीजिए इसको कान पकड़ के, चल भाई निकल, इस तरफ सिर्फ x रहेगा, बराबर के बाद 16 इधर गुना में जरा के भाग में 2, अब x बराबर हो जाएगा 2 8 16 8 बार में। आया समझ में? आया। आइए इसको देखा जाए, इसको हम लोग क्या कर सकते, 3t - 2/4 2t + 3/3 बराबर 2/3 - t। अब सुनिए, 3 को t में से 2 घटेगा? नहीं, ये t वाला का एकदम जिद रहता है, क्या जिद रहता है कि हम t वाला के साथ ही जोड़ा करेंगे, बिना t वाला के साथ नहीं। अब सुनिए हम लोग एक तरीका अपना सकते हैं, ये दोनों का भिन्न का घटाव कर सकते हैं 4 दिन का लघुत्तम लेके, और नहीं तो एक स्टेप और है कि t वाला को इस तरफ ले आ सकते हैं। सर उस समय भी आप लाए थे क्या? आप जो है इस बार जो है बिना ले बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं,
हम उसको उधर छोड़ देते हैं। अन्यथा ये था कि टी सब टी वाला सब इधर था, इस टी वाला को इधर ले आते प्लस में तो आसान रहता, बाद में तो लाना ही पड़ेगा। चलिए तो हम लोग बनाते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा टी वाला को इधर लाके बनाइएगा, हम बिना ले ले बनाते हैं, ठीक है, बना सकते हैं तरीका बताइए। यहाँ का चिन्ह डालिए, चार और तीन का लघुत्तम लीजिए, बारह नाला बारह। अब इस चार के पहरा पढ़िए, बारह कब में आएगा, तीन बार में, इसको बढ़ाओ तीन से गुना कीजिए, तो तीन गुना तीन टी माइनस दो, कोई दिक्कत, माइनस का माइनस चढ़ा दीजिए ऊपर। अब समझना ना भाई, तीन चार तीन का लघुत्तम लिया बारह आया, ये चार के पहरा में बारह कब में, तीन बार में, इसके ऊपर का को तीन से गुना कर दीजिए। चलिए ये तीन के बारह में बारह के बार में चार बार में, के बार में चार बार में, इसके ऊपर का को चार से गुना कीजिए, चार गुना दू टी माइनस नहीं माइनस नहीं प्लस है, माइनस नहीं प्लस है, बराबर दू टी प्लस तीन हो गया बराबर। अब दू बटा तीन माइनस टी टी तो घटेगा नहीं, लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं, बटा में एक दे देते हैं, भिन्न का जोड़ा कर देते हैं, क्या ऐसे कर सकते थे, हम टी को हम इधर भी ला सकते थे, इस टी को इधर भी ला सकते थे, ले आ ले आते, कोई दिक्कत नहीं, ला के बनाने में समझ लीजिए। अब आइए तीन एक उत्तम तीन, तीन एक उत्तम तीन, तो तीन से तीन में भाग देंगे एक बार में, तो दो को एक के सुगुना कीजिए, दो एकम दो माइनस का माइनस, कोई दिक्कत, एक के पारा में तीन के बार में, एक के पारा में तीन तीन बार में, इसको बोला वो तीन, तीन से गुना कीजिए, तो टी को तीन से गुना करेंगे तीन हो गया। अब सुनिए, अब सुनिए क्या करना, आप पहले गुना भाग कर गुना ना कर दीजिए, तीन दिया आए नौ टी और माइनस का माइनस, तीन दुना छ, अब सुनिए अब सुनिए, ये माइनस में है, माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस चार दुना आठ टी, ये माइनस में और प्लस में, तो माइनस चार दिया आए बारह, अब बटा में क्या हो जाएगा बारह, अभी दो में से तीन टी घटेगा ना घटेगा, तो दो माइनस तीन टी अभी रहने दीजिए, इसको आराम से छोड़ दीजिए, आराम कर दीजिए इसको, अभी पहले इधर तुलना कर लीजिए। अब देखिए तो इन टी वाला और ई टी वाला चाहता है मिलन करने का, मिलवा दीजिए, नौ टी में से आठ टी घट जाएगा, क्योंकि भाई नौ टी प्लस में आठ टी माइनस में, तो ये प्लस और माइनस घटता ना है, तो नौ टी में से आठ टी घट जाएगा, नौ टी में से आठ टी घट जाएगा, तो एक गो टी बचेगा, क्या बचेगा, एक नहीं लिखते हैं, एक गो टी बचेगा, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है नौ, नौ क्या प्लस है प्लस। अब देखिए ये छ और ई बारह, देखा जाए छ और बारह बिना टी वाला है, कह रहा है कि हमको भी मिलवा दीजिए भाई, तो माइनस छ माइनस बारह, यो माइनस यो माइनस, माइनस और माइनस जुटता है और चिन्ह माइनस का होता है, तो आई माइनस छ माइनस छ माइनस बारह और माइनस बारह माइनस छ माइनस अठारह। अब सुनिए ये तो हो गया कि जगह ऊपर का बटन हो गया बारह, बराबर में टू माइनस दो माइनस तीन टी बटा में तीन, न टी में से अठारह घटने को तैयार है, न दो में से तीन टी घटने को तैयार है ना, तो एक उपाय है, क्या उपाय है हम लोगों के पास, हम लोगों के पास ये उपाय है कि इस बारह को इधर भाग में है उस तरफ गुना में कर दिया जाए, और इस तीन को इधर भाग में है इस तरफ गुना में कर दिया जाए, अपने आप आ जाएंगे, देखिए इस फॉर्म में आ गए ना भाई। और हम लोग क्या करते टी को अगर इधर ले आते तो इधर गुना भाग हो जाता क्या, आइए करते हैं। चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं तीन से इसमें बारह से इसमें, आइए चलिए तीन से गुना करेंगे, इसमें भाग में इधर गुना में आ जाएगा, तीन गुना टी माइनस अठारह बराबर बारह से गुना करेंगे, इसमें बारह गुना दो माइनस तीन टी, गुना करें गुना करें, तीन से टी में करेंगे तो तीन टी, तीन से टी में करेंगे तीन टी माइनस का माइनस, तीन से अठारह में करेंगे चौवन बराबर, बारह से दो में करेंगे बारह दूना चौबीस माइनस का बारह आए छत्तीस टी, कोई दिक्कत कोई दिक्कत, पूरा समझ में आ गया। आइए अभी तीन टी में से चौवन घटने को तैयार नहीं, ये जिद पकड़ लेके हम इंदिरा से मिलन करेंगे टी वाला से, भाई टी वाला में से टी वाला घटेगा या जुटेगा, ये तो बिना टी वाला है, इससे ये इसमें जुट सकता है घट सकता है, आइए तो टी वाला को लेके आइए इधर पकड़िए आ भाई इधर, तो चलिए तीन टी का तीन टी इधर माइनस में छत्तीस टी धरा के
प्लस में 36 टी, बराबर के बाद 24 और प्लस में बराबर के बाद, बराबर से पहले 54, बराबर के बाद 54, पहले 54 माइनस उधर जाके प्लस में 54। यहां तक के समझ में आ गया, यहां तक के कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा तो स्टेप को थोड़ा पीछे कीजिए, फिर से देखिए, बहुत स्लो समझा रहे हैं, एक एक स्टेप को बता रहे हैं। आइए तो 3 टी और 36 टी दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा 39 टी, बराबर में 24 और 54 हो जाता है 4 4 8 और 2 7 5 78 78। वाह गुड 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 गुड, देखा जाए तो ध्यान से देखिए, ई टी के मान निकालना है, चार इसमें टी है, 39 का टपक पड़ा, काट पकड़ के भेजिए इधर इसको। आइए तो टी बराबर हम क्या ले सकते हैं 78, आइए 39 टी के साथ क्या कर रहा है गुना, उधर आके भाग में, तो फाइनल आंसर हो गया टी बराबर 39 गुना 78। समझ में आया, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं था भाई, देखिए आसान कर सकते थे हम लोग, टी को इस तरफ ले आ सकते थे, देखिए टी को इस तरफ ले सकते, यहाँ प्लस में टी हो जाता, लघुत्तम इसी में हो जाता, इस क्या कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी वही वही आंसर आता। आप लोग जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए अब देखा जाए, अब देखा जाए, देखिए यहाँ से m-1/2 बराबर 1-m-2/2 2/3 क्या करें, क्या करें, इस m वाला टर्म को इधर ले आए कि इधर दोनों तरफ जोड़ा कर दे, इधर बटा में करके यहीं पर हो जाए और यही बटा में करके हो जाए कि इसको सिर्फ ले आइए, एक को छोड़ दीजिए, क्या करें, आप लोग तो बोल नहीं सकते क्या करें, चलिए हमको ही करना पड़ेगा, ठीक है इधर कर देते हैं, ठीक है आप इधर भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, क्या ला सकते हैं ले आते हैं, चलिए आइए, नहीं लाते हैं छोड़ देते हैं उधर, आइए 1 2 का लघुत्तम 2। अब एक के पहाड़ा में 2 का बार में 2 बार में, एक के पहाड़ा में 2 का बार में 2 बार में, इनका जो कर रहे हैं घटाओ, एक के पहाड़ा में 2 2 बार में आएगा, इसको पर क्या 2 से गुणा कीजिए, तो 2 से करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 2m, बराबर हो जाएगा, माइनस का माइनस लिख दीजिए, अभी 2 से भाग देंगे 2 में, क्या बार में 1 बार में, तो इसको पर क्या 1 से गुणा कीजिए, कैसे 1 से गुणा कीजिए, m-1 m-1 बराबर, कहिएगा सर 1 से गुणा के डाटे उतना रह जाएगा, उतना ही रह जाएगा, माइनस चेंज से तो गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हमने 1 रखा है क्योंकि माइनस से भी गुणा करना पड़ता है। आइए 1 3 का लघुत्तम निकालिए, क्या होता है 3, 1 3 का लघुत्तम होता है 3, और 1 के पहाड़ा में 3 का बार में 3 बार में, तो इसके ऊपर का वो 3 से गुणा कर दीजिए, 1 तिहाई भाई 3 से गुणा करेंगे तो ना हो जाएगा 1 तिहाई 3, डायरेक्ट 3 माइनस का माइनस, 3 के पहाड़ा में 3 का बार में 1 बार में, इसके ऊपर का 1 से गुणा कीजिए, 1 गुना m-2। आइए अब गुना कर ले, आइए 2m का 2m हो जाएगा, माइनस पहले गुना कर लेते हैं, आइए और 1 से करेंगे, देखिए माइनस और यहाँ m प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 1 से m में करेंगे m, अब माइनस और माइनस प्लस, और 1 से करेंगे 1 में 1, बटा में हो गया 2, बराबर 3 का 3 आने दीजिए, माइनस और m है प्लस, 1 के आगे माइनस और m के आगे प्लस, माइनस प्लस माइनस, 1 से m में करेंगे m, माइनस और माइनस प्लस, 1 से 2 में करेंगे 2, अब बटा में आ गया 3, कोई दिक्कत, यहां तक तो समझ में आ गया पूरा। आइए ये m वाला और ये m वाला झलक रहा है कि हमको मिला दीजिए ना, हमको इकट्ठा करा दीजिए, तो ये 2m में से एगो m घट जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो आइए पहले घटा लेते हैं, 2m में से एगो m घटेगा तो बचेगा एगो m, आई प्लस में 1 का 1 रहेगा बटा में 2, बराबर बराबर ये 3 और ये 2, क्योंकि 3 में से m तो घटेगा नहीं, ये 3 और ये तुलना हो सकता है क्योंकि तो यो बिना m वाला यो बिना, तो 3 के आगे प्लस, 2 के आगे भी प्लस, 3 भी प्लस 2 भी प्लस, तो हो जाएगा प्लस प्लस जुटेगा और 3 2 हो जाएगा 5, हो जाएगा 5 और माइनस में हो जाएगा m, बटा में हो जाएगा 3, कोई दिक्कत समझ में आया। आइए अब देखिए फिर वही फॉर्म में आ गया ना, ये देखिए इसके फॉर्म में, ये इसके फॉर्म में है, और वही बात है कि 2 को गुना में उधर भाग में, सॉरी उधर भाग में उधर गुना में, इधर ही भाग में 3 इधर गुना में 3, कोई दिक्कत। आइए 3 इधर गुना में कर दीजिए, 3 गुना m + 1 बराबर 2 से गुना कर दीजिए, इसमें
2 × 5 − m। इतना समझ में आया कि नहीं? आइए क्या करना है, 3 से m में गुना करेंगे 3m, 3 से 1 में गुना करेंगे प्लस का प्लस 3 एकम 3 बराबर 2 × 5 = 10 और 2 से − m में करेंगे तो −2। अगर स्लो लगता होगा तो थोड़ा आप लोग स्पीड करें, स्पीड बढ़ा के देखें, ठीक है। चलिए आइए आइए, अभी 3m में से 3 और प्लस 3 जुटने को तैयार नहीं, 3m में ये 3 जुटने को तैयार नहीं, कहता हम नहीं जुटेंगे, हम m वाला के साथ ही जोड़ घटाव करेंगे। और ये 3 कह रहा हमें हमू एक साथ नहीं जुटेंगे, हमू जाएंगे अपना दोस्त के साथ 10 के साथ, ये बिना m वाला बिना m वाला के साथ जाए। तो आइए मिलाते हैं दोस्त को दोस्त से। अब देखिए m वाला को आप इस तरफ उठा कर लाइए, लाइए उठा के 3m, इधर m है माइनस में, इधर m है माइनस में, इधर आके प्लस में 2 बराबर ये 10 का 10, इधर 3 प्लस में, इधर आके माइनस में 3। कोई दिक्कत समझ में आ गया? आइए 3m और 2m 5m, अब बराबर में 10 में से 3 घटेगा तो 7, अब m के साथ 5 गुना कर रहा तो उधर जाके भाग दे तो m बराबर हो जाएगा 7, ये 5 गुना कर रहा था इधर आकर भाग में, m बराबर 7 / 5 देख लेते थोड़ा एक बार कैलकुलेशन को, ठीक है। m 1 × 2 = 2m 1 − − + या 1 − −−−+2 3 × 5 − m 2 में से 1 m + 1 3m − + 3 2 × 5 − 2m। हाँ ठीक है, चलिए इसका आंसर लीजिए, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिए। अब बताइए भाई कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास स्टूडेंट 8 के स्टूडेंट के साथ वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तब तक क्या करना है, अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, इसका रिवीजन कीजिए, दोबारा देखिए, और अगले वीडियो का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर देखिए। तब तक क्या करना है, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।